Good morning. In Fundamentals of Economy, today we will discuss on concept of weed management, principles and methods. Weed management का क्या concept है और इसका principles क्या क्या है. For successful control of weeds, one has to consider the following points. जब किसान अपने field के अंदर crop बोता है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि वो क्या क्या करेगा. फर्स्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ दी वीड्स. पहले हमें उस किसान को या हमें मालूम होना चाहिए कि लाइफ साइकिल उसका खरपतवार का लाइफ साइकिल क्या है. वीड्स आर एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल इन नेचर. कंट्रोल एनुअल वीड्स, द मेटा मेथड्स यूज प्रिवेंट सीड फॉर्मेशन. दस It thus, if the seed formation is prevented and introduction of new seeds is eliminated for a number of years, the population of annual weeds decrease. Ultimately, they will be controlled. सबसे important है, हमें अगर annual weed है तो उसको flowering stage से पहले ही control कर लीजिए और उसके seed formation नहीं होना देना चाहिए. अगर seed formation हो गया तो उसमें नेक्स्ट स्पीड में और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन खरपतवार का होगा. और अगर उसको पहले उसकी जो क्रिटिकल स्टेज है वीड की 25 टू 35 डेज या 40 डेज आफ्टर सोइंग, अगर उसको उस समय कंट्रोल कर लोगे आप तो इन्फेस्टेशन कम होता जाएगा. सिमिलरली बाइनियल में भी आल्सो कंट्रोल व्हाइल कंट्रोलिंग पेरिनियल वीड्स. वी फेस टू प्रॉब्लम्स विच needs to be tackled. First, to check the spread or the infestation of seeds, rhizomes and existing stand of old established plants must be eradicated. Dusra hai iska weed characteristics. Three methods hai isme, three mode of reproduction, fourth is soil condition, पांचवा habitat and location, छठा farm practices, जैसे preventive methods. इसके क्या weed control के preventive methods? Do not allow the weeds to appear in the cropped area, and that is why these methods are called preventive methods. First, clean cultivation, स्वच्छ खेती, यानी weed free field होगा तो आपकी crop की yield भी अच्छी होगी. और clean cultivation, it also help in preventive methods of weeds. Second, avoid feeding grain or hay containing weed seed. They spread through dung or manure. अब जानवर को अगर आप ये खरपतवार खिला रहे हैं उसमें अगर दाना बना हुआ है और हे के अंदर भी अगर वीड सीड है तो जब जानवर खाएगा उसके बाद में डंग जो है उसके अंदर वीड ऐसा वैसा आएगा तो वो उस फील्ड में वापस बढ़ेगा. तीसरा है, अवॉइड यूजिंग सैंड और सॉइल फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड एरियाज, क्लीन और कल्टिवेटेड एरियाज. अगर जिस फील्ड के अंदर खरपतवार के या वीड्स के वीड इन्फेक्शन ज्यादा है उस एरिया से कि प्लोइंग करके बाद में अगर कल्टिवेटर भी उस फील्ड में क्लीन फील्ड में आता है तो उसके थ्रू भी कुछ खरपतवार के सीड माइग्रेट हो जाएंगे तो उसमें वो सफाई से क्लीन कल्टिवेशन करनी चाहिए. ऑलवेज यूज वेल रोटेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर. हमेशा जो एफ आई एम या ऑर्गेनिक मैन्योर जो ले रहे हैं उसको डिकम्पोज होना जरूरी है. अगर फ्रेश लोगे तो इसका भी वीड प्रिवेंसिव मेथड नहीं होगा और खरपतवार बढ़ेगा. पांचवा, अवॉइड कैटल मूव फ्रॉम वीड इंफेस्टेड एरिया टू क्लीन कल्टिवेटेड एरिया. जैसे जानवर चलते हैं फील्ड के अंदर तो उनकी पूंछ है और उनके स्किन के साथ भी कई खरपतवार चिपक के जो साफ फील्ड है उसमें आ जाते हैं तो ऐसे भी जो जानवरों को कैटल को मूवमेंट नहीं होना चाहिए जो इंफेस्टेड एरिया से क्लीन फील्ड में आते हैं. छठा है,
clean farm implements properly after their use in infested area. जैसे आपका प्लाउ है, हैरो है, कल्टीवेटर वगैरह जो भी है, अगर आपने वीड फील्ड के अंदर वीड इंफेस्टेड फील्ड एरिया में अगर प्लॉइंग की है या जुताई की है और जब साफ फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग होना जरूरी है, वरना उसके थ्रू भी खरपतवार उस फील्ड में आ जाएंगे। सातवां इसका कीप इरीगेशन चैनल्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वीड्स, जो सिंचाई की नालियाँ है वो भी साफ होनी चाहिए, उसमें भी खरपतवार नहीं हुआ होना चाहिए, वरना वो भी आगे से आगे फील्ड में इंफेस्टेशन होगा। आठवां पॉइंट इसका कीप फार्म फेंसिंग रॉड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वीड्स, जो आपकी फार्म की फेंसिंग है उसको भी वीड फ्री होना चाहिए, उस पर भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो आपका रोड वगैरह है वो एरिया में जो पाथ है उसको भी साफ होना चाहिए, उस पर खरपतवार नहीं होना चाहिए। नौवां पॉइंट है वॉच सीडलिंग्स इन नर्सरी केयरफुली सो दैट do not mix with weed seedlings or carried in the field. These are the important 10 preventive methods for control the weeds.